संसार के अंदर ऐसा कोई प्राणी नहीं हुआ जिसको जिसको प्रभुता मिली हो, अर्थात बड़ा पद मिला हो और उसके अंदर अहंकार ना आए। तुलसीदास जी कलयुग के अंदर ऐसा वर्णन करते हैं। इसलिए अहंकार होना स्वाभाविक है और इस अहंकार को समाप्त करने के लिए केवल केवल एक ही उपाय है, वो है समर्पण। आप अपने बच्चे के प्रति समर्पण हो जाओ, अपने पति के प्रति समर्पण हो जाओ, अपने माता के प्रति समर्पण हो जाओ, अपने परमात्मा के प्रति समर्पण हो जाओ, अपने गुरु के प्रति समर्पण हो जाओ, अपने आप के प्रति समर्पण हो जाओ। यदि आपका समर्पण सत्य है तो मैं नहीं समझता कि उसके अंदर अहंकार बाकी रहे। और अहंकार बाकी नहीं रहेगा तो उसका परिणाम क्या होगा? देखिए परमात्मा के तीन ही खेल हैं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा क्या है? आनंद स्वरूप है। जिस समय आप आनंद की चरम सीमा पर होते हैं परमात्मा के दर्शन आपके, आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। जिस आदमी ने अहंकार को समाप्त कर लिया, अहंकार को समाप्त करने के लिए केवल केवल समर्पण, समर्पण से क्या चीज की प्राप्ति होगी? समर्पण से सेवा भाव का आपके अंदर उद्गार होगा। इस संसार के अंदर, अपने समाज के अंदर देख लिया, क्या प्रत्येक आदमी ये नहीं चाहता कि कोई मेरा सेवादार हो? प्रत्येक आदमी सुख चाहता है, और सुख बिना सेवादार के मिलता है। तो जिसे प्रभु की प्राप्ति करनी है, कोई लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत, हृदय से तो सेवा भाव को प्रकट, व्यवहार के 24 घंटे के